हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 2 की हिंदी के चौथे पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है पानी मेघा पानी दे। मेघा मतलब बादल, पानी दे। तो बच्चों, इस कविता को हमने पढ़ लिया है, इस पर वीडियो बना दिया है, आप वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक दे देंगे, आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प लेके उनको आप कहिएगा, वो आपको वीडियो निकाल के दे देंगे। उसके बाद आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। आज हम करेंगे बच्चों अभ्यास, करें इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बच्चों शब्द मेघा। मेघा का अर्थ होता है बादल, और गुड़धानी इसका अर्थ होता है गुड़ मिलाकर बनाया गया धान। ताल होता है तालाब, तलैया होता है छोटा तालाब, और जिंदगानी होता है बच्चों जीवन। अब हम बच्चों करेंगे खाली स्थान फिल करेंगे, ठीक है। पहला है बच्चों, 2 दे रखी है, दोनों में से जो सही होगा हम यहाँ भर देंगे। मिट्टी में नहाती है, मिट्टी में कौन नहाती है? मिट्टी में चिड़िया नहाती है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे? चिड़िया। अगला है बच्चों, बिल से निकल जाते हैं, कौन निकलते हैं बिल से? सांप या कौवे। बिल से बच्चों सांप निकलते हैं, कौवे तो बच्चों घोंसले में होते हैं। यहाँ आएगा बच्चों सांप, सांप बिल से निकल जाते हैं। मेंढक क्या करते हैं बच्चों? टर्राते हैं। मेंढक क्या करते हैं? टर टर करते हैं, तो यहाँ पर आएगा मेंढक टर्राते हैं। बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, यहाँ आपको भरना है मिट्टी, मिट्टी के घर बनाते हैं। अगला है बच्चों, प्रश्न है 2, आपको मैंने उत्तर ऊपर नीचे लिख दिया, आप नोट कर लेना, ठीक है। पहले प्रश्न का ऊपर लिख दिया उत्तर, दूसरे का नीचे लिख दिया। बारिश आने पर क्या क्या होता है? बारिश आने पर सब तरफ पानी हो जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें बारिश में क्या क्या करना अच्छा लगता है? अब बच्चों मुझे तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है, और कागज की नाव चलाना भी अच्छा लगता है उसमें। आपको क्या अच्छा लगता है, आप लिख सकते हो अपनी इच्छा से भी आंसर। अब बच्चों हमें नीचे चित्र दे रखा है, कौन सा चित्र किस मौसम से संबंधित है? रेखा खींचकर मिलाना है, तो आपकी बुक में दे रखा है बच्चों कौन कौन सा मौसम है, तो हमें क्या करना है? मिलान करना है। बच्चों मिलान करें, ये जो चित्र है बच्चों देखो, ये ऊपर ऊपर है ना, जो सबने स्वेटर पहन रखा है, कैप कर रखी है, तुम स्वेटर कब पहनते हैं, सिर पे कैप कब करते हैं, और शॉल मम्मी कब करती है? विंटर में करती है, सर्दी में। तो ये किसका मौसम है? ये सर्दी का है, तो इसका आपको यूं मिलान करना है इस तरह से, ठीक है। अब दूसरे में देखो, छाता ले रखा है, छाता हम कब लेती हैं? जब बारिश होती है, ठीक है। अभी बारिश है तो इसका मिलान यूं हो जाएगा। अब तीसरा देखो बच्चों, सूरज है, सूरज है, तेज गर्मी पड़ रही है, और ये हवा ले रहे हैं, और तो बच्चों ये किसका मौसम हो गया? ये हो गया गर्मी का, ठीक है। अब गर्मी के साथ इसका क्या करेंगे? ऊपर ले जाकर हम गर्मी से इसका मिलान कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका मिलान कर देते हैं ऊपर गर्मी से, तो आपको इस तरह इसको मिलान करना था। अब बच्चों उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ये 4 उत्तर दे रखे ना, एक ही सही है, तो जो सही होगा उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। बारिश के मौसम में कौन नाचता है? बारिश के मौसम में मोर नाचता है। वाहन तो नहीं नाचता, ना बादल नाचते हैं, ना सूरज नाचता है, नाचता कौन है? मोर नाचता है, तो मोर पर सही का निशान लगाना है। धरती को बरसात क्या देती है? धरती को बरसात रंगधानी देती है, ठीक है। अब अगला है, आपको इनको सही करके लिखना है। पहले जब हमने चैप्टर को रीड किया था, वो आया था काले मेघा पानी दे, धरती को रंगधानी दे, और फिर आएगा पर्वत से मैदानों तक, खेतों से कल्याणों तक। तो देखो बच्चों मैं आपको चैप्टर दिखाती हूँ, फिर आपको फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है, कौन सी लाइन पहले आएगी। पहले आएगा खेतों से खलियानों तक,
पर्व से मैदानों तक धरती को रंगदानी दे, काले में का पानी दे। अब हम इसको सही कर लेते हैं। तो आपको इसको सही करके लिखना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी। पहले आएगी बच्चों ये वाली लाइन, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले में का पानी दे। अब हम यहाँ इसको सही करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे खेतों से खलिहानों तक। तो बच्चों मैंने आपको बुक इसलिए दिखाई थी क्योंकि ये लाइनें बुक के अंदर ही थी, इसलिए आपको दिखाई है कि आप खुद भी कर सकते हो। पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब हम नीचे प्रश्न करेंगे, आवाज व चित्रों के आधार पर जानवरों के नाम लिखो। तो बताना है कौन कैसे कैसे बोलता है। तो बच्चों चित्र भी दे रखे हैं, आसानी से पहचान हो जाएगी। अब ये किसका चित्र है, ये पीहू पीहू कौन बोलता है, पीहू पीहू मोर बोलता है। तो आपको यहाँ मोर का नाम लिखना है। अब टर टर कौन करता है, मेंढक करता है। बच्चों चित्र दे रखे हैं तो हमें आसानी से पहचान आ रही है किसका चित्र है, मेंढक का, और ये मोर का है। अगला है बच्चों टाए टाए कौन करता है, तोता करता है। अगला चित्र तो आप पहचान ही गए होंगे बच्चों, काऊ काऊ कौन करता है, कौआ। काऊ काऊ कौआ करता है। और बच्चों आपको क्या करना है, बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है, वर्षा ऋतु की गतिविधियों पर चर्चा करके बच्चों को आपको क्या करना है, कागज की नाव बनानी है, फिर आपको उसे पानी में तैराना है। ठीक है, और आपको इन्हें भी याद करना है, जब आप स्कूल जाओगे तो अपने टीचर जी को सुनाइएगा। ठीक है, ये कविता है, रिम जिम पानी दे दो प्यारे बादल, पानी दे दो उमड़ घुमड़ कर तुम आ जाओ, आसमान पर तुम छा जाओ, खुदक खुदक कर मेंढक उछले, नाचे मोर पपी है बोले, छम छम पी पी छम छम पी पी, काले बादल पानी दे दो प्यारे बादल, पानी दे दो रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, दादाजी का बाग हरा कर, नाना जी का खेत हरा कर, नदियों को तुम जल से भर दो, झरनों में तुम पानी कर दो, कल 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 छल 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 छल, कल कल छल छल, काले बादल पानी दे दो प्यारे बादल, पानी दे दो रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम। जो आपने आज पाठ पढ़ा है, मेघा पानी दे, आज प्रश्न उत्तर किए हैं। बच्चों दो वीडियो बने हुए हैं, एक में हमने पाठ को पढ़ा था, दूसरे में प्रश्न उत्तर किए हैं। तो आपको सारा जो अपना काम है वो अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख के और अपने टीचर जी को दिखाना है जब आप स्कूल जाओगे। साथ में बच्चों आपको कविता भी याद करके ले जानी है। ठीक है, जब आप टीचर को सुनाओगे तो आपके टीचर जी बहुत खुश होंगे, कितना अच्छा बच्चा याद करके आया है। थैंक यू।